Good morning all of you. I'm Upayam's mother. My name is Vidya Sharma. I didn't prepare any speech for this function. So, it will be an honor for me that I'm receiving the invitation from the sir and I'm giving some such information and I'm sharing such information with you. I'm Upayam's mother. This is not just my information. This is not just my identity which I'm sharing with you. मैं इस गांव में एक बहू की तरह आई थी लेकिन इस तरह रखा गया ठीक है। ये सबसे बड़ी एक लड़की के लिए होती है कि ससुराल में अगर आप आ रहे हो तो एक बेटी की तरह रखा जाए। अगर मैं ओबियान के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी किड। इसका कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है कि ये बहुत ग्रोथ कर रहा है कहीं, बहुत अच्छा पढ़ाई में है या बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है। ये इसको हमें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या इसको करियर चूज करना है, क्या इसको स्पोर्ट्स में चूज करना है, क्या एकेडमिक्स में चूज करना है। ये हमें इसके पर्सनल जो इसका इंटरेस्ट था उससे पता चला कि कराटे में इसको इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर इंटरेस्ट है देन गो फॉर इट, दिस इज फॉर यू एंड दिस इज योर चॉइस। अगर बच्चे की खुद की चॉइस होती है तो वो 10% एक्स्ट्रा देगा। आप अपने बच्चे को कभी फोर्स मत करो दैट जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो 5-6 ईयर्स से और 10 ईयर्स तक आपको पता चलता है। ओबियान इज नाउ 8 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे लास्ट ईयर पता चला उसके इंटरेस्ट के बारे में ठीक है। तो इंटरेस्ट होता है लेकिन इंटरेस्ट के साथ एक चीज है जो बहुत जरूरी है, दैट इज हार्ड वर्क। इफ योर किड इज डूइंग हार्ड वर्क, इफ योर पेरेंट्स आर डूइंग हार्ड वर्क, देन यू विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, योर ग्रोथ विल बी ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, सो माय किड इज डूइंग गुड, ही गोस फॉर नेशनल्स एंड नाउ ही गोस फॉर इंटरनेशनल एंड ही हैज मेडल्स फॉर इट। तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है और हार्ड वर्क सही दिशा में होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है देन आप उस लेवल पे उस एरिया में हार्डवर्क करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप अगर हार्डवर्क करते हो तो आप बहुत अच्छा करेंगे ठीक है। मैं पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि डोंट प्रेशराइज योर किड्स। ओके, कभी प्रेशराइज मत करो कि ये चीज करो या ये चीज करो। आप सिर्फ प्रेशराइज करो कि जो आपकी कंपनी है वो इट शुड बी ऑन अ गुड वे, कि कंपनी एक अच्छे वे में होनी चाहिए, फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। पेरेंट्स के साथ अगर आप रह रहे हो, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो या आपके नेबरहुड में जो भी लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। मैं अपने बच्चों, मेरे दो बेटे हैं, मैं घर के बाहर रेयरली होता है जाने देती हूँ, तो मुझे ये चीज़ बोली जाती थी, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती, ये लोग कैसे ग्रो करेंगे, ये लोग आपस में रहना कैसे सीखेंगे, इनको क्यों नहीं बाहर जाने देती ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं चुप हो जाती थी लेकिन आज जब ओबियान मेडल लेके आता है तो वही लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत सही डायरेक्शन में आपने उसको भेजा। तो जवाब देना जरूरी नहीं होता, जवाब खुद अगर आपके बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं तो वो आ जाते हैं ठीक है। तो हर चीज़ का जवाब मत दो, टाइम देगा। यही चीज़ मैंने सीखी अपनी लाइफ में और यही मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। सर की बातों से मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगी कि फ्रेंड्स, नेबर्स और रिश्तेदार, ये तीन आपके सगे कभी नहीं होते। आप अगर सोचोगे कि चार लोग क्या बोलेंगे तो आप सोचते ही रहोगे। अगर आपने सोच लिया कि रिश्तेदार क्या कहेंगे तो आप सोचते ही रहोगे। आप ये सोचो कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कहोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, एल्स कुछ नहीं है ठीक है। तो मेरा बेटा जब नेशनल्स में मेडल लेके आया था वो एक लेवल अलग था, अब इंटरनेशनल्स में जब मेडल लेके आया वो एक लेवल अलग है। गांव में लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसको वेलकम किया था। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे, दे डिडंट इवन मैसेज मी, उन्होंने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। कॉल करना बहुत दूर की बात हो जाती है आजकल, तो सब कुछ यू नो ऑनलाइन है। आप एक मैसेज भी कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको खुशी हो रही है। अगर आपने मेरा स्टेटस देखा है, अगर आपने इंटरनेट पे मेरी इंफॉर्मेशन देखी है,
बावजूद उसके आपने मुझे अगर रिप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी, दैट मीन्स यू आर जेलस ऑफ मी, दैट मीन्स यू आर जेलस ऑफ माई किड. सो रिश्तेदारों को बाहर में जाने दो. मैं यही कहूँगी, आप क्या हो, आपके बच्चे क्या है, आप अपने बच्चों के बारे में जो सोचोगे वो कोई और नहीं सोचेगा. तो अगर आपके बच्चे को आगे बढ़ाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सही डायरेक्शन और हार्डवर्क की जरूरत है, रिश्तेदारों की जरूरत आपको नहीं है. और अगर सर है, सर जैसे लोग हैं यहाँ पे, तो आप उनसे डायरेक्शन ले सकते हो, क्योंकि जो टीचर होता है ना, टीचर हमेशा सेकंड पेरेंट का काम करता है. आपके जो माता पिता होंगे उनके अलावा अगर कोई भला सोचेगा तो वो टीचर हो गया. टीचर के अलावा थर्ड मुझे नहीं लगता कोई होता है जो आपके बच्चे के बारे में अच्छा सोचेगा, क्योंकि आजकल इतने क्लोज रिलेटिव्स और इतने क्लोज फ्रेंड्स तो रहे नहीं. ठीक है, तो टीचर इज ऑलवेज प्लेज अ रोल ऑफ अ सेकंड पेरेंट. तो अगर टीचर है, टीचर का साथ है, तो आप उनका साथ लीजिए, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में भेजिए, प्लस हार्डवर्क. और मैं बस यही कहना चाहती थी. थैंक यू सो मच. जो कभी सक्सेस नहीं हुए, अमृत पान के लिए हमें बहुत गहरी प्यास का होना बहुत जरूरी है. इसी कड़ी में मनीष जी, एक और मैं यहाँ पे दृष्टांत देना चाहूंगा. हमारे बीच में हमारे समाज का एक बेटा है, बेटा कम, ये बच्चा है जो चाचा लाला के जो सबसे छोटे बेटे हंसराज, जिनका देहांत हो गया है, नैन्सी उन्हीं की बेटी है. ये लड़का स्टेट लेवल पे एथलेटिक्स में बहुत अच्छा चल रहा है. मैंने इसकी वीडियो देखी. तो मेरे से बड़े वाले भाई हैं सतीश, तो एथलेटिक्स के वो पैर की जो स्ट्राइड होती है उसे ही बताते हैं, इसको दौड़ना नहीं आता है, दौड़ना आता है. पीटी उषा के बाद जो मैंने जो अच्छी स्ट्राइड देखी है वो इसकी है. और लड़का बहुत ऊपर जाएगा, बहुत शरीफ लड़का है, नेक लड़का है. और इसके अलावा बहन भी है, माँ है, उनका बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है, बड़ी शराफत के साथ चल रहा है. मनीष जी, आप खुशी को सम्मानित करें. और द बॉय ऑफ द डे ओमिया के भाई का नाम क्या है? हरी, हरी नाम, हरी नाम. It's the name of the Shiva. एक और आंकड़ा बता देता हूं आपको, जाओ कॉफी के सुदूरा गांव से एक तो लोग अच्छी बात को का तो डाटा बना देंगे. किसी लड़का ने किसी लड़के को छोड़ दिया, उसका 7 दिन के करोगे, ये आधे दिन के जेल में चला गया, तो उसको उसका जिक्र करते हैं हम, उसको महिमा मंडित करते हैं, उनकी जिक्र ही यहाँ चले. ये हमारा पहला गांव का बच्चा है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट आर्चरी का हमारे गाँव का लड़का है. ये दूसरा बच्चा वो जो चाचा हरिचंद है, उनका लड़का विजय तलवर में रहता है. तो वो आर्चरी से एमपीएड करके अब इस तरह के छोटे बच्चे उनका आर्चरी का नेशनल कोच है. और दूसरे नंबर पर एक बच्चा निकला है जो देश की सीमाओं को पार किया है, वहां पे परचम ले रहा है, हमारा नहीं इंडिया का, एमबीए का पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये आज हमारा संक्षिप्त समारोह का ज्यादा भीड़ में तो वो चलते नाम ही लेना चाहता, शेर तो काफी कम ही होते हैं. तो आप सब लोगों का धन्यवाद, छोटा छोटा सा एक रिफ्रेशमेंट है, आप उसे लेके, आपका धन्यवाद. आप अपने